बार बीच रास्ते में गाड़ी रोकी है क्योंकि मैंने ट्रैक्टर की एक अलग, ट्रैक्टर के नहीं है शायद, एक अलग तरह की मशीन जोड़ी हुई देखी है जो कि बहुत ही काम वाली और मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। आपको भी दिखाता हूँ, चलो। ये क्या है, हाथ से इसको खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मशीन से ही पूरा पूरा खुद रहा है। उस साइड में दोस्तों दीवार आ गई इसलिए वहां पर बैठ नहीं रही है, नीचे से पक्का है। अब यहां से खोदना शुरू करेगी। बारिश के मौसम में घूमने का मजा अलग ही है दोस्तों। देखिए शानदार सब एरिया ऐसे ही हरा भरा। हम झुंझुनू जिले के अंदर जा रहे हैं, अभी झुंझुनू में ही खड़े हैं ऐसे। और अभी तो कुछ दिनों से तेज धूप भी नहीं है, ठंडा ठंडा घूमने वाला ही मौसम है। हर जगह गाय चर रही है, हरे भरे खेत, ये तो फूलों वाला और है। हालांकि इस फूल की इतनी खुशबू नहीं आती लेकिन दिखने में अच्छे दिखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप हमारे साथ में जा रहे हैं झुंझुनू से लेकर, जो कि राजस्थान का एक शहर है, भोपालगढ़ किला, जो कि खेतड़ी के पास है। भोपालगढ़ किला हम जा रहे हैं। रास्ते के अंदर काफी सारी जगह होते हुए जाएंगे। क्या आपको पता है दोस्तों, आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और आईडी और इंस्टाग्राम पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पेज को लाइक करें, वहां पर भी आप हमारे अपडेट कंटिन्यू देख सकते हैं। अमरूद ले रहे हैं, थोड़े से अमरूद खाएंगे। दोस्तों ये झुंझुनू में है पंचदेव मंदिर। रानी सती मंदिर से थोड़ा सा पहले है श्री नामदेव जी मंदिर झुंझुनू। ये दोस्तों मंदिर आ गया रानी सती, दादी रानी सती मंदिर। ये मंदिर कौनी? ये मंदिर है सिया। ये मंदिर कौनी? तो क्या चीज है ये? इस डिजाइन का मंदिर है। ये मंदिर की अलग डिजाइन है थोड़ी सी। हाँ, अलग डिजाइन है। हाँ, मंदिर दोस्तों अभी खुला हुआ नहीं है और लोग जो दरवाजे के पास में यहीं पर दर्शन करके जाते हैं। दोस्तों मंदिर जो है वो अभी बंद है और मंदिर बता रहे हैं कि 7 तारीख को खुलेगा। मंदिर हमें बाहर से देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगा, खूब सारे इसके जो क्या बने हुए डिजाइन जो बनी हुई है इसकी, एक अलग 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 तरह का ये मंदिर है। देखने में बहुत ही अच्छा है लेकिन हम अंदर से नहीं देख सकते। झुंझुनू शहर के अंदर बना यह रानी सती, दादी रानी सती का मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है। इनके बारे में, रानी सती के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में इतिहास तो ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इनका जीवन काल रहा होगा और ये अपने पति के मृत्यु के पश्चात सती हो गई थी। उनके नाम से राजस्थान और अन्य स्थानों पर अनेक मंदिर है, जिनमें से झुंझुनू का यह मंदिर बहुत ही अत्यंत भव्य, सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। यह वीडियो हम 7 सितंबर से पहले यहाँ पर आए थे तब का है। 7 सितंबर के बाद इस मंदिर को और अन्य मंदिरों को भी खोल दिया गया है। यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई है दोस्तों, खूब सारी एसी नॉन एसी, अभी शायद चालू नहीं है कुछ भी।
take a U-turn, then turn left. नहीं U-turn नहीं लेना है, हमें आगे जाना है। ये है खमन ढोकला। खमन ढोकला? Yes. क्या खाएगी? खमन ढोकला खाएगी? Yes. Yes? Yes. No. Yes. No, 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 no. अपने आप मम्मी अपने आप खिला देगी। स्वाद है। मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी। तुझे भी पसंद है? अच्छा बेटा। सिया और सिया की मम्मी दोनों रेस्ट कर रही है, सो गई खाना खाके। दोस्तों मुझे अब कर चलना है करीब 50-60 किलोमीटर चलना है। हम जा रहे हैं खेतड़ी की तरफ। खेतड़ी की साइड में भोपालगढ़ आपको किला दिखाएंगे। अब देखते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। उदयपुर वाटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम एक बार पहले भी लोहागर्जी वगैरह गए थे। उदयपुर वाटी हम नहीं जाएंगे। मैं भोपालगढ़ किला और खेतड़ी वहीं पे जा रहे हैं। दोस्तों इस साइड में आगे जो गांव आ रहा है वो है चनाना। चनाना छोटा सा फोर्ट भी है, एक पहाड़ी के ऊपर है। और उससे पहले करीब 5-6 किलोमीटर दूर पहले हैं हम। इस साइड में जुनू से आए हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक जगह हमें खूब सारे सरकने 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 का एक जंगल बिहड़ या ताल या बंजड़ कुछ भी आप कह लीजिए, जिसमें सारे सरकंडे ही सरकंडे हैं, खूब सारे, जो बारिश के कारण बहुत ज्यादा हरे हो गए हैं। यहाँ पर ये नई तरह की घास देखिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इसके लाइनदार पत्तियां हैं। दूर दूर तक फैला हुआ है सरकंडा। ये सरकना जिसे हम बोलते हैं, खास तौर से झोंपड़ी या पारंपरिक रूप से घर बनाने के काम में इसे लिया जाता है, या गाय भैंस के लिए छपरे बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है, जिसकी पन्नी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। अगर इसके हाथ लगाकर थोड़ा सा खींचेंगे, इतने में वो ब्लेड की तरह चमड़ी के अंदर चली जाती है। सालों साल तक इसकी बनाई हुई जो है वो घर या झोंपड़ी छत जो भी है टिकी रहती है, बहुत ही अच्छा होता है ये। चनाना फोर्ट है दोस्तों, ये चनाना एकदम पूरी तरह से ऐसे ही है, थोड़ा सा बना हुआ खंडर सा। बारिश आने वाली है दोस्तों और आगे पहाड़ भी आ रहे हैं। सिया देख घर के ऊपर कितना बड़ा बॉल, देख बॉल कितना बड़ा है घर के ऊपर। हाँ उसके ऊपर पक्षी भी है एक। हाँ दोस्तों, हम लोयल गांव जो है यहाँ से निकल रहे थे, तो बाबा रामदेव जी का एक मंदिर है उसके आगे से निकल रहे थे। बहुत बड़ा धाम है। चले सिया, आजा सिया, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। ये नारियल, ये नारियल दूसरा लेके, ठीक दूसरा लेके आते, दूसरा लेके आ गए। थ्री, यस, कैसे खराब? ये सब ऐसे ही निकल रहे हैं, सब खराब। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ है पूरा, इसमें सब में कुछ कुछ खराब हुए दिख रहे हैं। चलो दूसरा लेके आता है।
चलो दूसरा लेके आते हैं। तीसरी बार नारियल लेके आ रहे हैं। टू थ्री फोर। इस बार पानी पानी हो गया सब। हाँ, ये सही है। यस, दूसरी दुकान से लेके आए हैं दोस्तों। एक दुकान के ऊपर सब इसी तरह के रखे हुए थे। और ये नारियल की चिटकी, चलो लेके चलते हैं। ऐसे लेके चले। कौन प्रसाद? ये प्रसाद नारियल का। चलो चलते हैं, आजा मंदिर। भाई साहब एक बात बताओ, ये मंदिर कितना पुराना है? रामदेव जी का काफी साल पुराना। दोस्तों ये फूल बहुत शानदार लग रहे हैं, गुलाबी गुलाबी। आप बताना जरूर कि ये किस चीज के, हमें नहीं पता है। और खेत की ये जो बाड़ है, मेड़ या बाड़ सिंह जो भी हम बोलते हैं, इसके पास पास में लगे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत कुछ नई नई चीजें देखने को और सीखने को मिलती है दोस्तों। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो चीज हमें ऐसे लगे वाओ, वो सारी हम आपको दिखा दें। वाओ, क्या दिख गया? मैं तो ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रही है? हाँ। वाओ, क्या दिखा सिया? ट्राई करके। अच्छा तू भी ट्राई कर रही है? वाओ, देखिए दोस्तों सामने पहाड़ दिख रहा है, यहाँ हरा भरा सुंदर रास्ता है। क्या उस पहाड़ पे चले? हाँ, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये तो मंदिर है। कोई मंदिर है या महल है? हाँ, ये महल है। चलते चलते हम आ गए यहाँ। ऐसी है? पापा अपनी पहाड़ सारा की। अपनी पहाड़ सारा की। आपने किंगा पहाड़ सिया? पापा का, मम्मी का और मेरा पहाड़ है, तीनों ने एक एक ले लिए हमने। एक एक ले लिया। फिर उसपे क्या करेंगे? पहाड़ पे क्या करेंगे अपन? मेकअप लगा सा। पहाड़ पे जाएंगे मेकअप लगाने के लिए। आज ही भाई एक बेड है। बेड आज। गांव कौन सा है आपका? गांव मारा फरकड़ो। फरकड़ो? पहाड़ों के अंदर ही है क्या? कब भी आई थी बेड? बेड तो आई थी भाई घंटों के। दो ले ही है क्या? ना एक ही, एक बकरी और। एक बकरी और भी आ गई साथ साथ में दोनों। बेड की इसकी माँ कहाँ है? माँ तो भाई माँ। ठीक, कितनी बकरी है आपके? पचास एक बकरी है। अरे ऐसे लेके जाओगे, हाथ में लेके जाओगे घर? घर की, घर कितनी दूर है? घर तो भाई कहते हैं बहुत दूर है। बहुत दूर है। पता नहीं हम वहां तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो शाम का समय हो गया है, 4:30 बजे का टाइम हो गया है, और ऊपर से अगर गाड़ी जाने का रास्ता नहीं हुआ तो शायद ही हम जा पाए, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर दिख रहा है वो दूर से, और कोई व्यक्ति भी शायद ही जाता होगा। ये किले की तरफ रोड जा रही है। किले पर जा सकते हैं? ऐसी सड़क है पूरी दूर आरसीसी की, कोई जाता है? ठीक, लगता है अब किले पर जाके ही आएंगे। खेतड़ी महल हम आपको दिखाएंगे, और खेतड़ी का किला।
बहुत ही खतरनाक रास्ता है। ये दोस्तों हम भी आ गए अंदर। अंदर इतना बड़ा परिसर है और सुंदर भव्य महल है। यहाँ आने के बाद पता चला अभी हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपको अच्छा सा यहाँ का व्यू दिखा देते हैं कि ये जो किला है कितना शानदार और खूबसूरत है। खास तौर से जो मुख्य मेन जो है ना वो यही है जो आप हमारे पीछे की साइड में देख सकते हैं, और इसके अंदर खूब सारे जरोखे 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 बनाए हुए हैं जो कि हवा महल भी इसको बोलते हैं, ज़्यादातर हवा आने के लिए। मेंटेनेंस और रख रखाव के अभाव में आप देख सकते हैं किले के अंदर जगह जगह पर इतने बड़े बड़े कीकर वृक्ष उगे हुए हैं। एक भव्य सुंदर महल है भोपालगढ़ यह किला, जहां से दूर दूर तक पहाड़ियां नज़र आ रही है। खड़ी चढ़ाई है एक तरफ से, इस साइड से बहुत ही सुंदर व्यू, दीवार बनी हुई है किले के चारों तरफ, और एक और महल है दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं उस साइड में, खेतड़ी शहर भी है। यह महल जो है वो झुंझुनू के हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, खेतड़ी का महल। इसका निर्माण जो है वो भोपाल सिंह द्वारा लगभग 1770 में करवाया गया था। भोपाल सिंह जो थे वो सादुल सिंह के पोते थे। जब इसे बनाया गया तो यह एक अलग ही हवा महल की संरचना वाला महल था। यह 1770 में बना था, और जयपुर के अंदर जो हवा महल है वो 1799 में बना था। जयपुर के जो स्वाई प्रताप सिंह थे वो इस अनोखी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने फिर जयपुर के अंदर हवा महल निर्माण करवाया। दोस्तों खेतड़ी की स्थापना आज से लगभग 500 साल पहले खेत सिंह निर्वाण ने की थी, और निर्वाणों के बाद में यह नगर शेखावतों के पास आया, और फिर उसके बाद में आपको बताइए यह सादुर सिंह के पोते जो थे उन्होंने, भोपाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था और यह भोपालगढ़ बनवाया था। आज इसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। अधिकतर लोगों को शायद इस किले के बारे में इतना भव्य और सुंदर किला है पता भी नहीं होगा कि जयपुर के आसपास ऐसा स्थान है जहां देखने के लिए घूमने के लिए जा सकते हैं। पूरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ यह महल, ये बात बहुत अच्छी रही कि इस किले परिसर तक आने के लिए ऊपर तक पक्का रास्ता था। यह है खेतड़ी शहर की तरफ का दृश्य दरवाजे से जहाँ से हम आए थे, और बीच में आप देख सकते हैं खंडर के रूप में यहाँ पर खूब सारे पुराने मकान, छोटी मोटी कोई हवेलियाँ, अवशेष दीवारें दिख रही है, जो कि कुछ तो जो बड़े हैं वो अवशेष तो दिख रहे हैं और जो छोटे हैं वो छोटी मोटी झाड़ियों और कीकर के नीचे दबे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो किला परिसर है उसमें कुछ इसी तरह से खंडर के रूप में मकान मिलेंगे। इतना भव्य और सुंदर महल देख करके हमें बहुत अच्छा लगा जो ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसे बचाने की ज़रूरत है। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। खंडहर ही खंडहर है, जिस तरह से आपने भानगढ़ अजबगढ़ देखा था ना उसी तरह की स्थिति यहाँ पर है। हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं, और अब सुबह नीचे तक जाएंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा पूरी तरह से। बहुत पुराना है, पूरा लोहे का दरवाजा है, और ये दरवाजा जो है कई सारे इस तरह के स्टेप पार करके है, शायद यहाँ पहले कोई मंदिर भी रहा होगा। ये वाला परिसर जो है मुख्य दरवाजा यही है, और यहाँ बहुत मुश्किल से गाड़ी आएगी, मतलब ध्यान से दूर से तो ऐसे लगेगा बस क्लोज है। देखिए दोस्तों किस तरह से घुमाव है यहाँ पर, गाड़ी फिसल भी सकती है। हम आए थे उस टाइम मैं तो बोल रही थी कि नहीं गाड़ी नहीं जाएगी ऊपर, लेकिन आगे एक गाड़ी को आते हुए देख के हम भी आ गए। यहाँ तक दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है कोई भी आदमी, हम भी हो गए थे, सोचा यहाँ तक
यहाँ ये पार्किंग रखी हुई है। ये दोस्तों एक चीज पता नहीं क्या चीज है, रेड रेड, जैसे कोई तालाब हो पानी का, ऊपर सीढ़ियां हो, कुछ इस तरह का ही है। ये पूरा का पूरा खेतड़ी शहर है। ये बावड़ी लग रही है, बावड़ी, हाँ बावड़ी टाइप में कुछ ना कुछ है। अभी एक नीचे बावड़ी है उसको जाके देखेंगे। बहुत सारी पुरानी हवेलियां हैं, मकान जो आप देख रहे हैं, किले के बाद में शहर जो खेतड़ी नीचे ही बसा है, इस सीताराम जी आश्रम। हम दोस्तों खेतड़ी के अंदर आ गए हैं और वो जो तालाब दिख रहा था ना, वहां पर जा रहे हैं। ये खेतड़ी का तालाब, अंधेरा होने से पहले आ ही गया हूं। और ये क्या है, पन्ना सर, इसके बारे में लिखा हुआ है, पन्ना सर। यह है पन्ना सागर तालाब, ऊंचा पहाड़ी पर आप किला भी देख सकते हैं भोपालगढ़। यहाँ से सुंदर पहाड़ियों के बीच यह तालाब बना हुआ है। अब तो शहर के बीच हो गया क्योंकि इसके चारों तरफ खेतड़ी शहर है। इस तालाब के अंदर जो दीवारें बनी हुई है उनके ऊपर इस तरह की जो खंडित मूर्तियां मैंने कई जगह पर देखी, इस तरह की जो कलाकृति है जैसे कि मंदिरों में हमने देखी है, प्राचीन मंदिरों के अंदर, वो इसके अंदर कई जगह पर इस तरह से लगाई हुई देखी है। क्या आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या वजह हो सकती है इसकी। ये देखिए जगह जगह पर है। शाम हो रही है, बारिश का समय है, अभी इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है।